आदर आभार अभिनंदन नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो अभी वैकेंसी आई है, जिसका अंतिम तिथि जो है एप्लीकेशन की 30 जून 2018 थी, और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम है ये BPSSC बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में भी BPSSC ने दरोगा बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम अभी 22 जुलाई 2018 को करवाया है, और इसके बाद बिहार एक्साइज इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है, जो अभी तक डेट आया नहीं है, लेकिन 126 पोस्ट हैं टोटल इसमें। बहुत ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन एप्लीकेंट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर क्वाइट लार्ज। तो ये एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, कितने स्टेप्स में ये, उसका पूरा प्रोसीजर, उसके सिलेबस क्या होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाएं, और फिर आपके प्रिपरेशन में कोई कसर छूटनी नहीं चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी मदद और आसान होगा। तो स्टेप्स ये देखिए, जो बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, ये टोटल 4 स्टेप्स में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो होगा वो रिटन होगा, जिसको प्री बोलते हैं, ठीक है। प्री एग्ज़ाम होगा सबसे पहला, फर्स्ट स्टेज रिटन। इसके बाद दूसरा स्टेज जो होगा वो भी रिटन होगा, वो मेंस एग्ज़ाम होगा। इसके बाद तीसरा जो है वो PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा आपका। और चौथा जो होगा वो होगा मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो है प्री टेस्ट, वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, और समय होंगे आपके पास 2 घंटे, और सिर्फ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर एक गलत क्वेश्चन पे 0.2 मार्क लूज करेंगे, यानी कि जब 10 क्वेश्चन गलत आप मार्क करेंगे तो आप लूज करेंगे 2 मार्क। मतलब आप अगर जिसमें डाउट वाला चांस हो, मतलब 50-50 वाला हो, वो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं, कोई समस्या ज़्यादा नहीं पड़ सकती है आप। और एक चीज़ और है कि पास होने के लिए मिनिमम आपको 30% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, ये मिनिमम कट ऑफ है, 30% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है सबके लिए, सारे कैटेगरीज के लिए। इसके बाद देखिए, सेकेंड राउंड में जब आप पहुंचेंगे, वो भी मेंस जिसको बोलते हैं, तो उसमें 2 परीक्षा होगी, मतलब 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का, जिसमें बेसिकली ग्रामर एंड ऑल द थिंग्स विल बी आस्क्ड, ठीक है। तो वो जो हिंदी की परीक्षा होगी वो भी 200 अंकों की होगी, वो 2 घंटे का पेपर होगा, और उसमें भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का ही होगा, यानी कि ये परीक्षा भी 200 अंकों की होगी, और उसमें नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न भी वही 0.2 का ही रहेगा एक क्वेश्चन गलत करने पे। इसके बाद सेकंड पेपर जो होगा वो होगा GK जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी कि ये परीक्षा भी टोटल 200 अंकों की होगी। यानी कि सेकेंड परीक्षा जो मेंस है, प्री क्वालिफाई करते हैं जब आप मेंस में जाते हैं, तो ये मेंस की परीक्षा जो है 400 अंकों की टोटल है। इसके बाद आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आते हैं, तो उसमें क्या होगा कि मेल्स के लिए, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, उन समय दिया जाएगा आपको 6 मिनट। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट जितनी भी होगी उनके लिए 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, और समय दिया जाएगा 6 मिनट उनके लिए 1 किलोमीटर, और मेल के लिए 1.6 किलोमीटर। देन हाई जंप फॉर मेल कैंडिडेट्स इज 4 फीट, ऑल राइट, 4 फीट, एंड देन फॉर फीमेल कैंडिडेट इज 3 फीट। देन लॉन्ग जंप के लिए मेल कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए 12 फुट का गड्ढा क्रॉस करना होगा जंप करके लॉन्ग जंप के थ्रू, और फीमेल के लिए 9 फुट का गड्ढा उनको पार करना होगा। देन शॉर्ट पुट आप जानते होंगे, जिनको गोला फेंक बोलते हैं, तो मेल के लिए 16 पाउंड का शॉर्ट पुट होगा, जिनको 16 फीट दूरी कवर करनी होगी फेंकने के बाद, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 12 पाउंड वजन का गोला होगा, और जिन्हें 10 फुट डिस्टेंस कवर करवानी होगी फेंकने के बाद, ऑल राइट। तो अब अगले वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, बेसिकली रिटन एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ आप फिजिकल फिटनेस के लिए भी तैयारी करते रहें, मतलब एटलीस्ट 1 घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस को आप देते हैं सुबह शाम मिला के भी, तो काफ़ी है इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के लिए, ऑल राइट। और अगले वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि प्री एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम का प्रॉपर सिलेबस क्या है, कौन कौन एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ नॉलेज गेन हुआ है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या
ट्विटर या जिस किसी भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके करियर और इन्फॉर्मेशन, अलग इन्फॉर्मेशन के लिए हम बहुत सारी चीज़ें आप तक लेकर आने वाले हैं। जो भी हमें चीज़ नहीं पता चलती हो मैं वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एट लास्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।